और तरुण जैन लगातार जनता के बीच में जाकर के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तरुण जैन ने जिंदल परिवार पर निशाना साधा और कहा कि जनता 10 साल कमल गुप्ता और 10 साल सावित्री जिंदल को मौका दे चुकी है, अब की बार उनके झांसे में नहीं आएगी। हरियाणा में चुनावी माहौल लगातार गर्म है और हिसार में कहीं ना कहीं ये बात की जाए तो पूरे हरियाणा की हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है। हमारे साथ हिसार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी तरुण जैन है, उनसे बातचीत करेंगे। जैन साहब, क्या माहौल लग रहा है आपको, किस तरीके से जनता में जा रहे हैं, किस तरीके की बातें आप लोगों से कर रहे हैं? सर देखिए, हिसार की जनता का जो अब मन है वो पूरी तरह से बन चुका है कि हिसार की जनता अब की दफ़ा बदलाव चाहती है और उनकी जो कार्यशैली है उनसे तंग आ चुकी है। तो अब की दफ़ा हिसार की जनता ने पूरा बदलाव का मन बनाया हुआ है और हिसार की जनता ये चाहती है कि कोई युवा उनके बीच में आए जो उनकी समस्याओं के लिए मजबूती से उनके बीच में खड़ा रहे। तो हिसार की जनता अब की दफ़ा जैन को, मतलब बिजली के खंभे को वोट देने जा रही है और पूर्ण बहुमत से मेरे को अब की बारी यहाँ से विधायक बनाएगी हिसार की जनता। हिसार की जनता का मन बन चुका है। बार बार आप आरोप लगाते रहे हैं जिंदल परिवार, गेस्ट हाउस, ये मुद्दे तमाम जो गुजरे हैं। दूसरी तरफ कमल गुप्ता कह रहे हैं हमने विकास कराया है, कल जो है प्रधानमंत्री का जहाज लैंड हुआ, ये बड़ी जो है उपलब्धि है हिसार के लिए। इस तरह के दावे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो आरोप नहीं है, वो सही बात है। और जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने, मैंने जिंदल गेस्ट हाउस की जो आप बात कर रहे हैं वो सच्चाई है। बेसिकली वो जिंदल गेस्ट हाउस ही बन के रह गया है क्योंकि जो इनके महल है वो बाहर है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, विदेशों में है। तो इनके वो बड़े बड़े 500-1000 करोड़ के महल है, यहाँ तो ये साल 6 महीने में पिकनिक मनाने आते हैं, तो इसीलिए मैं उसको जिंदल गेस्ट हाउस बोलता हूँ। और जो कमल गुप्ता जी की आपने बात करी, उपलब्धि गिनाते हैं, विकास गिनवाते हैं, तो अगर वो उपलब्धि, उनका विकास अगर सही मायने में उन्होंने हिसार का किया होता तो आज जो उनकी नौबत हिसार में, उनकी जमानत जब्त होने के जो आज बातें पूरे हिसार की जनता के बीच में चल रही है तो ये बात नहीं चलती। जनता कोई मूर्ख नहीं है कि अगर कोई विकास करवाए और उसकी जमानत जब्त करवा दे। तो ये बात जग जाहिर है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हिसार का विनाश किया है, विनाश। चलिए, तरुण जैन लगातार जो है जिंदल परिवार पर आरोप लगाते हैं और लगातार उनका ये कहना है कि इस बार जो है जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। जिंदल परिवार जो है वो हमेशा दिल्ली बॉम्बे रहता है जनता के बीच, वो लोग हिसार में गेस्ट हाउस में ही आते हैं, उसके अलावा जो है चुनावी समय में आते हैं और जनता के बीच जो है नहीं रहते हैं। कुलदीप सिंह भाषापुर से, आप प्रत्याशी बीर